आप देख रहे हैं सरोज चंद्रपुर न्यूज, आपको दिखाते हैं खबर भरथना इटावा से। एमएलसी स्नातक क्षेत्र डॉक्टर असीम यादव एवं जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने विधानसभा क्षेत्र भरथना में आह्वान पत्र वितरित किए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव एवं वर्तमान एमएलसी डॉक्टर असीम यादव ने आज विधानसभा भरथना क्षेत्र के बकेवर, उरेंग, निवाड़ी, जगमोहनपुर, लड़ैयापुर, अहेरीपुर सहित कई गाँव में भ्रमण कर आह्वान पत्र वितरित किए, जनसभाओं को सुशोभित किए। जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं चरम सीमा पर है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अहेरीपुर में बंधु वाजपेयी ने अपने आवास पर सभी नेताओं को गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष जयसिंह चौहान, लीलावती राजपूत, चंकी यादव, कमलेश कठेरिया, अनिल दौरे के सुपुत्र अंकित दौरे, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारती दौरे, समाज महासंघ सत्येंद्र दौरे, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एसएससी एसटी को प्रकोष्ठ अवनीश राजपूत, जिला उपाध्यक्ष पदम तिवारी, जिला सचिव गौरव यादव, योगेंद्र यादव, लालू पाल, भोलू खान, नगर अध्यक्ष बकेवर देवेंद्र गौतम आंसू दौरे आदि लोग मौजूद रहे। वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, शोषण जो बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पर है, बलात्कार, हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंगल राज चल रहा है, जंगल का कानून चल रहा है, कोई किसी को भी मार दे रहा है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं 61 ठोको, तो अब वो ठोको लागू हो गया है सब जगह। जो बड़ा ठोकने वाला होता है वो छोटे ठोकने वाले को ठोक देता है। तो जंगल राज यही तो होता है, यही जंगल कानून संविधान रहने गया। पुलिस किसी को भी एक मुकदमा लगा के 25,000 का इनाम लगा के रातों रात उसे मार देगी, किसी को सीधे सीने में गोली मारेगी, किसी को पैर में मारेगी। यदि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो लोग आज जनता के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वो बचने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब पहले भी थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने किसी से बदला लेने की राजनीति नहीं की थी, विकास की राजनीति। और लेकिन जिन लोगों ने आज जनता को सताया है, परेशान किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो वो तो नहीं बचेंगे, उनकी जांच होगी और बचेगा। वर्तमान में प्रदेश सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है बहुत चरमराई हुई सी नजर आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस है किसके अंदर? उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर है। तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि पुलिस व्यवस्था इस तरह की हो, इसलिए है। ये तो अगर सरकार चाहे एक घंटे में पुलिस की व्यवस्था सुधर जाएगी, और नहीं सुधार सकते तो मुख्यमंत्री किस बात के? जाओ इस्तीफा दो, जाओ अपने आश्रम में मठ में। 2022 की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं इस समय आप? देखिए, समाजवादी पार्टी तो तैयार है। क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है 2022 में? ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल पूछिए आप। हम लोग तो यहाँ जनपद के लोग हैं, जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, निर्देश होगा, उसके हम लोग फॉलो करेंगे। ये सवाल हमसे पूछने का नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष।